वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9th के हिंदी के पेपर का एनालिसिस लेके आ रहा हूँ। बिना देरी करे चले चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। नंबर पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आदिकाल की समय सीमा है सन 993 से सन 1318 तक। नंबर दूसरा, रैदास कवि हैं संत काव्य धारा के। नंबर तीसरा है, रसात्मक वाक्यम काव्यम परिभाषा दी है आचार्य विश्वनाथ ने। नंबर चौथा है, एकांकी में अंक होते हैं, एकांकी में एक अंक होते हैं। शब्द के अंत में जुड़कर उपसर्ग अर्थ परिवर्तित करने वाला शब्दांश कहलाता है प्रत्यय कहलाता है। नंबर छठवां है, माटी वाली को शहर से अपने गांव तक पहुंचने में कितना समय लगता था। 1 घंटे का समय लगता था भाई। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। नंबर पहला, सही खाली स्थान ने वात्सल्य का कोना कोना झांकाया था सूरदास ने। नंबर दूसरा, छंद के खाली स्थान भेद होते, छंद के 2 प्रकार होते रचना। रामचरितमानस खाली स्थान है, रामचरितमानस महाकाव्य है। नंबर चौथा है, चौथे का प्रसाद। नंबर पाँचवें का है आई, कमाई में प्रत्यय है आई। नंबर छठवें में है मेरा नाना पक्के खालिस्तान माने जाते थे, तो साहेब माने जाते थे। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र होते थे, कुल 6 पात्र हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ी बनाइए। कबीरदास, कबीरदास का है बाहरी आडम्बनों का विरोध। नंबर दूसरा, दोहा, दोहा का है मात्रिक छंद। और झूरी का साला गया है प्रेमचंद जी का है सेवा साधन, प्रेमचंद जी का सेवा साधन। ग्राम का तद्भव शब्द होगा गांव। मृदुला गर्ग का जन्म हुआ था, मृदुला गर्ग का जन्म जो है कोलकाता में हुआ था। प्रश्न क्रमांक चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। वह तोड़ती पत्थर कविता किसकी है, तो यह कविता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। नंबर दूसरा है, मेघ के आगमन की सूचना देने आगे आगे कौन प्रसन्नता पूर्वक चल रहा है, तो हवा चल रही है। नंबर तीसरा है, चरण सरोज पखारण लागो में कौन सा अलंकार है, तो रूपक अलंकार है। नंबर चौथा है, गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख महाकाव्य का नाम लिखिए, तो रामचरित मानस। नंबर पाँचवा है, हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट माने जाते हैं, तो उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी माने जाते हैं। ही भी और तक किस प्रकार के शब्द, ये निपात शब्द कहलाते हैं। माटी वाली माटी कहाँ से लाती थी, माटी वाली माटी खाना से लाती थी माटी। नंबर पाँचवा, सत्य सत्य लिखिए। नंबर पहला, सूरसागर भक्तिकाल की रचना है सत्य है। कविता का आंतरिक रूप लय है असत्य है। सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से बड़ी थी, हाँ सत्य है। शब्द के आगे जुड़ने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं सत्य है। छक्के छुड़ाना मुहावरे का अर्थ हार जाना या सही है, हाँ सत्य है ये वाला। लेखिका ने अपनी नानी से अनेक कहानियाँ सुनी थी, असत्य, क्योंकि लेखिका की नानी मर चुकी थी। इसी प्रकार आपको अन्य पेपर के भी एनालिसिस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।